नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या है फायदे, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी ये वीडियो अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर जरूर करिएगा और व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सेंड जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या क्या है फायदे। सबसे पहला फायदा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन कॉलेजेस में दी जाती है, जिस तरह की पढ़ाई होती है, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन होती है। बुक्स रेफर की जाती है, बहुत ही हाई क्वालिटी बुक्स रेफर की जाती है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस देखें और बाकी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस कंपेयर किया जाए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस वर्ल्ड क्लास सिलेबस है। स्टूडेंट्स को नई से नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बच्चों को नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है ये वर्ल्ड फेमस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है तो बहुत ही अफोर्डेबल है। जो फी स्ट्रक्चर है बिल्कुल भी हाई नहीं है। आप किसी भी मीडियम ग्रुप फैमिली के हैं, इनकम ग्रुप फैमिली के हैं, आप हाई इनकम ग्रुप फैमिली के हैं, आप लो इनकम ग्रुप फैमिली के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर किसी के भी कंधों पर बोझ नहीं डालता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर ना के बराबर लगेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आपको बहुत कम लगेगा। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस मिलती है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बहुत ही फायदेमंद तो है ही है, साथ ही साथ एक पॉकेट फ्रेंडली भी है। अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तीसरा फायदा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस बहुत बड़े हैं, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, बिग प्लेग्राउंड्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, मेडिकल रूम है, स्पोर्ट्स रूम है, सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। आप नाम लीजिए वो चीज़ आपको कॉलेज में मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत बड़ा है, जो अपने आप में पढ़ने की एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। साथ ही साथ चौथे पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी सिस्टम है। आपको जिस भी तरह की बुक चाहिए पढ़ने के लिए वह आपको अपने ही कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी होती है और अगर आप जाए सेंट्रल लाइब्रेरीज भी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लाइब्रेरी है। अगर आप कॉलेजेस की लाइब्रेरी की बात करेंगे तो आप जो बुक चाहेंगे आपको कॉलेज लाइब्रेरी में मिल जाएगी, न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे, मैगजीन्स मिल जाएंगी। और जो ज़्यादातर लाइब्रेरियंस होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। जब स्टूडेंट्स किसी बुक की मांग करते हैं तो लाइब्रेरियंस कहीं से भी वो बुक ढूंढ के अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं। इसीलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट दिल से पढ़ना चाहे तो वो बहुत आसानी से पढ़ सकता है। इन्वायरमेंट बहुत ही शांत होता है, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होता है और लाइब्रेरी में पढ़ने में वाकई में बहुत मज़ा आता है। मैं आपको ये जो बात कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया भी है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखने का नज़रिया जो मेरा है वो काफ़ी ब्रॉड है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को एज स्टूडेंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ और एज टीचिंग स्टाफ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने की, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, जब मैंने खुद ये बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करा है, तो फिफ्थ पॉइंट जो मैं बात करने जा रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं और वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब लगना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। पहले तो आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, UGC नेट होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, तब जाके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। एक एक पोस्ट के लिए हज़ारों लोग आते हैं और उनमें से बेस्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चरशिप का मौका मिलता है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर होते हैं वो सारी क्रीमी लेयर होती है और वो अपना बेस्ट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। इसीलिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आपको वो लेक्चरर पढ़ा रहे हैं जो हज़ारों लोगों में से चुने गए हैं और
ट्रस्ट मी गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, वो वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन तो होती ही है और साथ ही साथ वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं, आपको सारी नई इन्फॉर्मेशन देंगे, जो चीज़ मार्केट में नहीं आएगी आपको उसके बारे में बताएंगे. लेक्चरर्स खुद नोट्स बना के लाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके. ऐसा नहीं होता, आपने बहुत बार सुना होगा कि यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स आ गए, समय बिताया, वापस चले गए. नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके लेक्चरर्स आप पे बहुत टाइम स्पेंड करेंगे. हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके. अब हमने जहाँ पर पढ़ाई की बहुत बात करी, तो अब शायद कुछ खाने पीने की बात भी करनी चाहिए. तो अब हम बात करेंगे, हमारा सिक्स पॉइंट है कैंटीन. दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा खाने का सामान होता है, बहुत बढ़िया मेन्यू होता है और साथ ही साथ जो प्राइस होते हैं बहुत कम होते हैं. मुझे अपने कॉलेज डेज में याद है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज से करी है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी है, जो कि नॉर्थ कैंपस में है. तो मैं अपनी ग्रेजुएशन डेज में बहुत सारी चौमिन खाती थी. डेली में हाफ प्लेट चौमिन लेती थी और एक मिल्क शेक लेती थी और मुझे बहुत पसंद था. कभी हम समोसे खा रहे हैं, कभी हम डोसा खा रहे हैं, हर तरह की चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स में होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होती है. मेरी पॉकेट मनी एक बहुत नॉर्मल पॉकेट मनी थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, ऐसी पॉकेट मनी जो आम बच्चों को मिलती है. तो अगर उस पॉकेट मनी में मैं रोज़ यूनिवर्सिटी जाती थी, बस से जाना, बस से आना और कैंटीन में खा पी के आती थी, तो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंटीन बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे होती है, चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. सब कुछ फ्रेश बनता है और एक इन्वायरमेंट होता है कैंटीन में बैठ के बात करने का, बहुत ज़्यादा मजा आता है. अब हम सातवीं बात करते हैं, सेवन एडवांटेज या बेनिफिट की बात करते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से स्टूडेंट्स को मिलता है, वो होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़. जी हाँ, जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं उन्हें जॉब के दूसरों से कंपैरेटिवली ज़्यादा मौके मिलते हैं. सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जो होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलग अलग कॉलेजेस में खुद के प्लेसमेंट सेल होते हैं. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में अपना ही प्लेसमेंट सेल होगा और उस प्लेसमेंट सेल में बहुत से कॉलेजेस आते हैं और वहीं से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ले जाते हैं. उसके अलावा भी अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट किसी इंटरव्यू में जाता है और वहाँ पे किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को थोड़ा एज ओवर अदर्स मिलता है, थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है. इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है. एक और पॉइंट जो मैं एट्थ पॉइंट या एट्थ बेनिफिट कहूँगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है. वर्ल्ड में सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, सब जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में. दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सर्टन रेपुटेशन है. रेपुटेशन इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड बहुत एरियाज में एक्सेल कर रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आप अलग अलग कंट्रीज में बात करें तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रोफेशनली परफॉर्म करा है. तो एक रेपुटेशन है जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा होता है और जो पढ़ चुके हैं वह भी इसका फ़ायदा उठाते हैं. अब नाइन्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो है एक्सपोजर. एक एक्सपोजर मिलता है, एक ह्यूज एक्सपोजर मिलता है. आप अलग अलग तरह के स्टूडेंट से पढ़ते हैं, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो आपको बहुत से कल्चर्स के बारे में पता चलता है, बहुत सिटीज़ के बारे में पता चलता है, बहुत सी कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है. और इसके अलावा आप अलग अलग कॉलेज फेस्ट अटेंड करने जाते हैं, आप अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट से मिलते हैं. एक ऐसा नहीं होता, एक कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आप अपने कॉलेज में फंसे रह जाते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आप अलग अलग कॉलेजेस जाएंगे, अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलेंगे, अपनी कंट्री इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे, कई फॉरेन के स्टूडेंट्स भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे, तो एक्सपोजर लेवल बहुत हाई होगा. आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको जानने को पता चलेगा. अब जो लास्ट पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं ऐसे कहती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फीलिंग. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फीलिंग ही अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात ही अलग है. एक आपको बहुत एक आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट मिलता है, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक बहुत फील गुड फैक्टर आता है. जब आप किसी को बताते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. और मैं हमेशा कहूँगी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल रियली में मैटर करता है. चाहे आपका सवाल का जवाब सही है या गलत है, लेकिन जो इंसान कॉन्फिडेंटली बोलता है वह लाइफ में एक्सेल करता है. कॉन्फिडेंस लेवल एंड राइट एटीट्यूड लाइफ में हमेशा आगे लेके जाते हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और आप में एक राइट एटीट्यूड दिल्ली यूनिवर्सिटी डेवलप करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी.
तो ऑल इन ऑल मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत फायदे हैं, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन करते समय जो साल बिताएंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं क्लास 12th के बाद जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट डे कॉलेज गई थी और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो मैं लास्ट डे कॉलेज गई थी, मेरी पर्सनैलिटी में 360 डिग्री का टर्न आ गया था, कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। वाई? बिकॉज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपोजर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक बहुत अच्छा अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसे बिल्कुल मत गवाइएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम हमेशा कहना चाहेंगे कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो मिलेगी, साथ में एक बहुत ही अलग फीलिंग आएगी एंड यू विल एंजॉय द क्राउड, यू विल एंजॉय द प्लेस एंड यू विल एंजॉय एवरीथिंग। सो अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।